वेलकम टू एसेंशियल कोर्सेज। दिस इज़ पार्ट 10 ऑफ फोटोशॉप ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किस तरीके से अपने टेक्स्ट को सब्जेक्ट के अंदर डाल के मास्किंग कर सकते हो। कुछ इस तरीके से आपको फ़ोटो में दिख रहा रहेगा, ये बिफोर का फ़ोटो है और उसके बाद हम ये आफ्टर में ये करेंगे आज इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं हमारे अपने फ़ोटोशॉप में और देखते हैं कि हम ये किस तरीके से करेंगे। तो हम आ गए हमारे अपने फ़ोटोशॉप में और देखेंगे कि हम किस तरीके से टेक्स्ट को सब्जेक्ट के साथ मास्किंग किस तरीके से करेंगे और किस तरीके से वैसा आउटपुट अचीव करेंगे। तो ये हमारे पास बैकग्राउंड का एक इमेज है और एक हम कंट्रोल एम दबा के एक और टैब ओपन कर लेते हैं। मैंने कंट्रोल एन प्रेस किया, उसके बाद हम एक डिफ़ॉल्ट साइज ले लेते हैं। डिफ़ॉल्ट साइज पे क्लिक करते हैं और क्रिएट के बटन पे क्लिक करते हैं। ये हमारे पास एक और न्यू वाइट बैकग्राउंड आ गया। इस पर हमें सबसे पहले अभी हम एक टेक्स्ट लेंगे। मैं यहाँ पे जाता हूँ टेक्स्ट में और हॉरिजॉन्टल टाइप टूल टेक्स्ट ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ। जैसे हमने लिखा, चलो यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिख लेता हूँ। दिख रहा नहीं रहेगा आपको, मैं बड़ा कर देता हूँ थोड़ा साइज। टेक्स्ट लिख लिया हमने, इसका बैकग्राउंड में ब्लैक कर देता हूँ। सेलेक्ट करके बैकग्राउंड पे क्लिक करके ब्लैक कर देता हूँ। ओके, ब्लैक हो गया। अभी इसको थोड़ा और मैं बढ़ा देता हूँ। तो अभी मैंने ये टेक्स्ट लिखा है, ये हमारा ये लेयर पे है, टेक्स्ट हमने लिखा इस पे। उसके बाद मैं ये सारे टेक्स्ट को सेलेक्ट करता हूँ। ये रहा होगा मेरे से न्यू लेयर पे आ गया, ये लेयर को डिलीट करता हूँ और इसको मैं सेलेक्ट करके, यहाँ पे सेलेक्ट करके मैं इस टेक्स्ट को बढ़ा लेता हूँ। मैं इसको 153 कर देता हूँ। इसको सेलेक्ट करके यहाँ सेंटर में लेके आता हूँ। ओके पे क्लिक करता हूँ, ये हमारा टेक्स्ट आ गया बैकग्राउंड में। अभी हम एक ये वाले इमेज को उधर मूव करेंगे। तो हमारे पास है मूव टूल, मूव टूल पे क्लिक करते हैं हम और इस इमेज को क्लिक करके हम यहाँ पे स्क्रॉल करके इस वाले पे आते हैं और यहाँ पे छोड़ रिलीज कर देते हैं माउस को। उसके बाद हमारा ये इमेज आ गया यहाँ पे, हम इसको एडजस्ट करते हैं। हमारा इमेज लेयर वन, मतलब ये हमारा इमेज लेयर वन पे है और ये हमारा टेक्स्ट लेयर है और ये हमारा वाइट कलर का बैकग्राउंड है। तो अभी हमें क्या करना होगा, हमें सिंपली जाना है लेयर पे। हमारा याद रहे हमारा ये लेयर वन सेलेक्टेड रहना चाहिए। उसके बाद हमें जाना है लेयर पे। लेयर पे जाने के बाद हमें करना है क्रिएट क्लिपिंग मास्क और उसका शॉर्टकट है ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस जी। तो मैं यहाँ पे क्रिएट क्लिपिंग मास्क पे क्लिक कर देता हूँ। आप देख सकते हैं जो हमने आउटपुट में हमने स्टार्टिंग में आपको जैसा इमेज दिखाया था उसी तरह हमने कर दिया है। अगर आप ये इसको थोड़ा एडजस्ट करना चाहते हो एडजस्ट कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।